कि आप लोग को पता है कि विंटर सीजन आ चुकी है, और गाइस बता दूं इस सीजन में जो भी मॉइस्चर होते हैं हमारे फेस पे और बॉडी पे वो ये सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे फेस को और स्किन को ड्राई कर देता है। उससे क्या होती है कि हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। तो गाइस बता दूं इसका बेस्ट सोल्यूशन है मॉइस्चराइजर। तो गाइस बता दूं अगर आप मॉइस्चराइजर को यूज करते हैं विंटर में तो इससे क्या होगी कि हमारे जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी और हमारी स्किन को ये ग्लोइंग भी बनाएगा और हमारी स्किन को जो भी रिक्वायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसको भी ये प्रोवाइड करेगा। मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइजर अवेलेबल है, हमें समझ में नहीं आता है कौन सा यूज करें। जो भी यूज करते हैं उससे क्या होता है कि हमारे फेस पे पिंपल हो जाता है, हमारा फेस एक्सिस ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है। तो गाइस मैं बता दूं बेसिकली जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसे हमें नहीं मिलता है। तो गाइस बता दूं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है, और गाइस बता दूं सारे केमिकल फ्री है और बजट फ्रेंडली है। गाइस मॉइस्चराइजर की लिस्ट शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि मॉइस्चराइजर करता क्या है। तो गाइस बता दूं अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज है कि मॉइस्चराइजर जो है बस ड्राई स्किन के लिए होता है। तो गाइस बता दूं आप बहुत बड़े कंफ्यूजन में है क्योंकि जो मॉइस्चराइजर है वो सारे स्किन टाइप के लोग को यूज करना चाहिए। अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, ऑयली है तब भी आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा फेस हमारे ड्राई हो जाते हैं और जो भी हमारे मॉइस्चर होते हैं वो वहां से हट जाते हैं। तो इसीलिए आपको जो है मॉइस्चराइजर यूज करना है अगर आपका कोई भी स्किन टाइप है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि मॉइस्चराइजर लगाने के क्या बेनिफिट है। बता दूं मॉइस्चराइजर हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है और जितने भी हमारे स्किन पर रिंकल्स होते हैं उनको खत्म करता है, जो हमारे स्किन पर झुर्रियां पड़ती है उनको खत्म। बता दूं मॉइस्चराइजर हमारे स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है। अब बात कर लेते हैं कि मॉइस्चराइजर खरीदते समय कौन सी बात को ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस बता दूं मॉइस्चराइजर खरीदते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि जो मॉइस्चराइजर होना चाहिए आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो ऑयली स्किन टाइप के लिए आता है उसको यूज करना है, अगर आपकी ड्राई है तो जो ड्राई के लिए आता है वो यूज करना है, आपको गलत यूज नहीं करना है। दूसरा स्टेप ये है कि जब भी आप मॉइस्चराइजर खरीदो तो आप देख लें कि ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है कि नहीं। तो गाइस बता दूं आप अगर मॉइस्चराइजर आप खरीद रहे हैं तो वो पूरी तरह से केमिकल फ्री होना चाहिए, टॉक्सिक फ्री होना चाहिए। तो गाइस कुछ इंग्रेडिएंट मैं बता देता हूं, अगर आप मॉइस्चराइजर खरीदने जाओ तो ये चेक कर लेना कि ये जो इंग्रेडिएंट है उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है पैराबिन। पैराबिन उसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पैराबिन जो है हार्श केमिकल होता है जो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है फैलेट। फैलेट इसमें नहीं होना चाहिए। तीसरा इंग्रेडिएंट है आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस। आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस भी नहीं होना चाहिए। तो गाइस बता दूं बहुत सारे प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस को यूज किया जा रहा है जिससे क्या होती है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है और हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और रेड रेड जो रेसेस होते हैं हमारी स्किन पर हो जाती है। और गाइस बता दूं उसके बाद जो इंग्रेडिएंट है सबसे मेन इंग्रेडिएंट सल्फेट। सल्फेट इंग्रेडिएंट उसमें होना ही नहीं चाहिए, ये हमारी स्किन में स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। तो गाइस जब भी आप खरीदें तो आपको चेक कर लेना है। और मैं बता दूं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करना है, और गाइस बता दूं अगर आपकी स्किन ड्राई सेंसिटिव और नॉर्मल है तो आपको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर को यूज करना है। तो अब बात आ जाती है कि वो टॉप 5 बेस्ट मॉइस्चराइजर कौन से हैं हमारे सर्च के अकॉर्डिंग जो पूरी तरह से केमिकल फ्री है और हमारे स्किन के लिए भी सेफ है और हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग है। गाइस हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और बहुत ज़्यादा उसमें एक्ने होते हैं आपकी स्किन पे। तो गाइस बता दूं आप यूज कर सकते हैं प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइजर। तो गाइस बता दूं जो इसमें ग्रीन टी का यूज़ किया गया वो हमारे फेस पे जो भी डार्क स्पॉट होते हैं उनको हटाता है और हमारे फेस पे जो भी एक्ने होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और गाइस बता दूं ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे यूज सकते हैं। तो गाइस हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है गुड वाइब का एवोकाडो मॉइस्चराइजर। तो गाइस बता दूं जिनकी स्किन ड्राई और नॉर्मल है वो इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस बता दूं इसमें जो है एवोकाडो ऑयल और एवोकाडो मिल्क का जो नेचुरल प्रॉपर्टी होता है उसको यूज करके इसे बनाया गया। और गाइस बता दूं ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है जो ड्राई स्किन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और नरिश भी रखता है। तो गाइस हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे है द मैन कंपनी का सिया बटर एंड विटामिन ई मॉइस्चराइजर। तो गाइस मैं बता दूं जो इसमें विटामिन ई का यूज किया गया है वो हमारी स्किन को ब्राइटन बनाता है और जो भी हमारे फेस पे स्कार होते हैं उनको खत्म करता है। तो गाइस अगर आप विंटर पे अपनी स्किन को ब्राइटन बनाना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और गाइस बता दूं जो इसमें सिया बटर का यूज किया गया वो हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। और गाइस मैं बता दूं कि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए सूटेबल है, चाहे आपकी स्किन जो है ऑयली है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, ड्राई है, तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए सूटेबल है और पूरी तरह से केमिकल फ्री है। तो गाइस हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे है जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके लिए खादी नेचुरल्स का पीच एंड एवोकाडो मॉइस्चराइजर है। तो गाइस बता दूं जब भी हम खादी नेचुरल्स की बात करते हैं तो आपको पता ही है ये पूरी तरह से केमिकल फ्री होते हैं, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता है और जो भी इनके प्रोडक्ट होते हैं उसमें सारे नेचुरल और आयुर्वेदिक इंग्रीडियंट का यूज किया होता है। तो गाइस बता दूं उन्हीं का ये एक प्रोडक्ट है पीच एंड एवोकाडो मॉइस्चराइजर, जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसे यूज कर सकते हैं। और जो इसमें एवोकाडो और पीच का यूज किया गया है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी कंटेन करता है जिससे क्या होता है कि समय से पहले हमारे चमड़े जो हैं सेक हो जाते हैं, जैसे कि ऐसे चमड़े हमारे झुल जाते हैं उनको
को ठीक करने में मदद करता है। तो गाइज हमारे लिस्ट में पांचवे नंबर पे है सेटाफिल का डेली एडवांस लोशन। तो गाइज मैं बता दूं इसमें विटामिन B3 और ग्लिसरीन का यूज किया गया जो हमारे फेस पे जो भी मॉइस्चर होते हैं उनको लॉस नहीं होने देता और हमारी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और हमारी स्किन को हमेशा हाइड्रेट बनाकर रखता है। और गाइज बता दूं ये भी पूरी तरह से केमिकल फ्री है। और गाइज बता दूं जिनकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है और कॉम्बिनेशन है वो इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये थी टॉप 5 बेस्ट मॉइस्चराइजर जो पूरी तरह से केमिकल फ्री है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये सारे आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है। और गाइज मैं बता दूं अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज बता दूं अगर किसी भी आप मॉइस्चराइजर को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से अगर आप बाय कीजिएगा तो आपको 15% मतलब 15% तक डिस्काउंट मिल सकता है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक लिए आप चाहिए गुड बाय।